यार बच्चों नमस्कार। आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के पढ़ रखे हैं, तो आज उस कंसेप्ट को हम लोग लगाने वाले बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h। इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 km/h इन 4 सेकेंड बाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कैलकुलेट द एक्सलेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। तो बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है, देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है। बच्चों सवाल में मास दे रखा है, एक मोटर कार है, तो एक मोटर कार का मास दे रखा है 1200 kg। ठीक, चलो क्वेश्चन समझते हो। तो मास देख, एक मोटर कार है, इसका 1200 kg मास है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। उसका इनिशियल दे रखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 km/h। जो वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चों। जो वेलोसिटी कम होगा इसका मतलब उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चों, तभी वेलोसिटी कम हो रहा है। इसका मतलब कि उसमें एक रिटार्डेशन आ रहा है। वेलोसिटी अपोजिट लग रहा है तभी उसका स्पीड कम हो रहा है। तो टाइम दे रखा बच्चों ऐसा कब हुआ, 4 सेकेंड में बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स और द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जितना उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा उससे निकालते हम निकालते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, और वी मेरा क्या होता है, वी होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल फाइनल मेरा कितना है, 18। फाइनल है मेरे 18, और ये किसमें है, किलोमीटर/h, किलोमीटर/h बच्चों, यूनिट बाद में हम लोग चेंज करेंगे। इनिशियल मेरा है 90, 90 किलोमीटर/h। टाइम मेरा कितना बच्चों, टाइम है 4 सेकेंड। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट सब अलग अलग है, तो इसमें आंसर गलत आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, यूनिट हम लोग ध्यान रखेंगे तभी सही आएगा। तो इसको मैं किलोमीटर को अभी मीटर/सेकेंड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि 18, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में बताया था कि यदि किलोमीटर/आवर को मुझे क्या करना है, मीटर/सेकेंड में करना है। हम लोग किलोमीटर क्या करेंगे, किलोमीटर को 1000 लिख सकते हैं, 1000 मीटर/60 सेकेंड ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये फाइनली कट के क्या आएगा बच्चों, 60 × 60 लिख सकते हैं, 1000 ने, और क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है बच्चों, 60 × 60 और 1 0 0 कट जाएगा। तो फाइनली 10/36 आ जाता है, इक्वल टू 5/18 मीटर/सेकेंड। तो ये मेरे पास शॉर्टकट है बच्चों, किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 18 को अगर यदि हम लोग 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा, ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। तो जो 18 km/s लिखा हुआ, ये कितना हो गया 5, माइनस तो 90 बच्चों, 90 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये 5, ये आ जाएगा 25 मीटर/सेकेंड। तो ये आ जाएगा 25 मीटर/सेकेंड बच्चों, और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 सेकेंड, ये -20/4 आ रहा है मीटर/सेकेंड, और यहाँ भी सेकेंड है मीटर/सेकेंड आ रहा है, तो जाएगा -5 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आंसर हो जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। तो आपको समझ आएगा एक्सीलेशन क्या है, यूनिट का ध्यान रखना। पूछा क्या गया बच्चों, पूछा गया एक्सीलेशन जो निकाल लिया मैंने, पूछा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना बच्चों, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हो, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लेगा बच्चों मास इंटू एक्सीलेशन, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है और तो कोई नहीं। तो फोर्स मास कितना है, 1200 × 5, और ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो गया 6000 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मोमेंटम, मोमेंटम निकालने के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछा बच्चों, तो डेल्टा पी ले देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम वी माइनस एम वी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मास आ गया कॉमन, और वी माइनस यू कर लो बच्चों, या एम और वी कितना था बच्चों, वी हम लोग फाइनल कितना निकाले थे, वी देखो यहाँ पर है, वी है 5 माइनस इनिशियल 25 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ हो जाएगा 1200 पूरे यूनिट क्या केजी पूरे हो जाएगा -20 मीटर पर, तो ये आ जाएगा 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड, और ये बेटा माइनस में होगा डेल्टा पी, मोमेंटम चेंज नेगेटिव है, तो इसका मैग्नीट्यूड से पूछा जाए तो 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। ये हम लोग का बच्चों चेंज इन मोमेंटम आ गया। हम लोग बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ क्या बोला है कि 2 पर्सन मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 केजी एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसे ध्यान से देखो, तो ये सवाल आपके एनसीआर से ही लिया गया। द सेम मोटर कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन टू प्रोड्यूस ए एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल बच्चे क्या है, ये कार दे रखा है, एक कार है, और क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे दो आदमी बच्चों दोनों उस कार को धक्का लगा रहे हैं, ऐसा दिया हो, कार की मास दे रखी 1200 केजी, उस कार को जब धक्का लगा रहा है तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो जब दो आदमी पुश कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे तीन तीन आदमी से खड़े हैं और एक भाई साहब आ गए, अब तीनों इस 1200 केजी कार को पुश कर रहे हैं, तो अब इसमें एक एक्सीलरेशन आ गया, कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ऐसा हो रहा है। अब पूछा कि व्हाट फोर्स इच पर्सन पुश द मोटर कार, अरे हर एक आदमी कितना फोर्स लगा रहा है, और तीनों पर्सन मान लेते हैं कि बराबर बेटा फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या देखो कि जब ये दो आदमी पुश कर रहा था तो फोर्स तो लग रहा है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और यहाँ एक्सीलरेशन क्या है जीरो, एक्सीलरेशन जीरो कैसे है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एक फोर्स पीछे से लग रहा होगा, और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी तो उसका एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन आता है एफ नेट से, एफ नेट मतलब जो अनबैलेंस होता है, तो नेट फोर्स बाय मास ऐसा होता है, तो नेट फोर्स मेरे पास जीरो होगा बच्चों, जो दो आदमी इधर से लगा रहा है वो फ्रिक्शन लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, इसीलिए इस कार पे नेट एक्सीलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये दोनों आदमी जितना फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों मान लो एक आदमी एफ लगा रहे हैं, दोनों आदमी मिला के 2F लगा रहे हैं, 2F किसके बराबर, फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स जीरो, इसीलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या होता है बच्चों देखो यहाँ पे, अब क्या है कि अब तीन आदमी लगा रहे हैं, तीन आदमी कितना लगाएगा, 3F लगाएगा, तो एक आदमी एफ माने, और फ्रिक्शन अभी भी लग रहा हो, और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि कार यहाँ पे चल रहा था बच्चों देखो, और फ्रिक्शन अभी कनेक्टेड, फ्रिक्शन अब डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों कितना अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन यहाँ पे अभी भी उतना ही लेगा, फ्रिक्शन पहले कितना था, फ्रिक्शन पहले 2F था बच्चों, अभी फ्रिक्शन 2F लग रहा है, तो इधर लग रहा है 3F, तो पीछे से लग रहा है फ्रिक्शन 2F, तो नेट फोर्स आगे कितना लग रहा है बच्चों F, तो नेट अनबैलेंस फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, तो इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसी अनबैलेंस फोर्स, ये नेट फोर्स है। अब यहाँ पे इस F का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, मास दे रखा 1200 केजी इंटू एक्सीलरेशन दे रखा है ना 0.2 दे रखा हूँ, 0.2 हमारे पास, तो आप इसको यहाँ पर 10 सो काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 240, तो ये फोर्स यही फोर्स बच्चों एक आदमी लगा रहा है, क्योंकि हमने 3F जो माना है तो यहाँ एक आदमी एफ लगा रहा है, पूछा ये गया है ईच पर्सन, एक आदमी बच्चों 240 न्यूटन से फोर्स लगा रहा हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। लोग नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है यहाँ पे, ये भी और एक अच्छा सवाल है बच्चों देखो यहाँ, इसमें ध्यान से अभी अभी सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसका आंसर बहुत लोग बच्चों आपको सही आंसर नहीं दे पा रहे, मैंने देखा है, तो ये सवाल आप ध्यान से देखिए, सवाल क्या है कि लार्ज ट्रक एंड कार बोथ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड वी, दोनों को वेलोसिटी वी दे रखा हूँ और आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ये ट्रक है और इधर से कार है,
ये भी जा रहा है 20 और ये भी आ रहा है 20। दोनों का हेड ऑन कोलिजन होता है एंड बोथ ऑफ देम कम टू ए हॉल्ट आफ्टर दैट इन टू कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकंड। और ये क्या बोला गया कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते, क्या कहते हैं, धक्का मार देते एक दूसरे, तबाही मचा देते। कोलिजन का टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। अब यहाँ पर समझो बच्चे, देखो इसका कितना वी है। अब मैं ट्रक का मास कैपिटल एम ले लेता हूँ, कार का मास स्मॉल एम ले। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात कह देखो। अब यह पहला सवाल पूछ रहा है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो किस पे बच्चों ज्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लग रहा है बताइए, अब किस पे ज्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लग रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों, न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या पढ़े हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग पढ़े क्या कि एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो ये जब कोलाइड करेगा बच्चों, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लग रहा है ये इस पे और ये इस पे, ट्रक कार पिलाया कार ट्रक को, दोनों क्या होंगे इक्वल, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पे इक्वल, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता। लेकिन बच्चों एक होशियार बच्चा बोलेगा सर थोड़ा देर रुकिए, आप ऐसा कैसे बोल, बाद में जब कोलाइड हुआ है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई दोनों की। ठीक, एक बच्चा निकालेगा बच्चे देखो यहाँ, अब क्या करेगा, एक बच्चा बोलेगा सर देखिए कि ट्रक का एक्सीलरेशन क्या होगा, बोले क्या होगा, बोलेगा वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम कितना 1 सेकंड। वो लिखिएगा वी फाइनल हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो टाइम बचो 1 सेकंड, तो एक्सीलेशन यहाँ से निकाल लिया माइनस वी। ठीक, अब एक्सीलेशन का वो मॉड लिख लेगा सिर्फ वी बोल देगा। अब वो क्या करेगा, फोर्स ऑन ट्रक निकालेगा, तो क्या करेगा, मास इंटू मास ऑफ ट्रक इंटू वी लिख देगा, बोलेगा सर ये फोर्स लगा ट्रक पर। वैसे वो क्या करेगा, एक्सीलेशन वो कार निकालेगा, कार का एक्सीलेशन क्या आएगा, वी आएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल तो सेम है बच्चों, वी है इसका भी, बाद में जीरो हो गया और टाइम भी सेम है। फोर्स ऑन कार निकालेगा वो कितना आएगा, मास ऑफ कार इंटू वी। अब हमको पता है कि मास ऑफ ट्रक ज्यादा होता है मास ऑफ कार, तो बोलेगा सर फोर्स ऑन ट्रक तो ज्यादा लग रहा है फोर्स ऑन कार। अब ये कैसे संभव हो सकता है सर, तो देखो बच्चों ये जो बच्चा जो बोल रहा है कि फोर्स ऑन ट्रक ज्यादा है फोर्स ऑन कार से, इसमें उन्होंने एक चीज भूल की। क्या भूल किया बच्चों, बड़ी भूल की उन्होंने, क्या भूल किया आप सोचिए, क्या आखिर वो दिमाग लगाया इतना कि एक्सीलरेशन निकाला, सही बात, फोर्स ऑन ट्रक उतारे इतना लगेगा, उन्होंने ये भूल किया बच्चों कि जब हम एक्सीलरेशन लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन जब लिखते हैं क्या लिखते हैं बच्चों, सोचो सोचो, एक्सीलरेशन लिखा जाता है एफ नेट, क्या लिखा जाता है, एफ नेट लिखा जाता है, एफ नेट बाय मास। तो यहाँ पे जो एफ नेट है ना, तो एफ नेट बच्चों अलग अलग हो, अब कैसे मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करता हूँ। पहले बात ये समझो, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बेटा जो कोलिजन के दौरान लग रहा है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एफ नेट कुछ और, मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। एफ नेट क्या, क्योंकि यहाँ पे अलग से और भी फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन लगेगा और भी बहुत सारे एयर ड्रैग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए देखिए वो तो क्या है कि इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लगाता हूँ बच्चों, देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊंगा, ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ ट्रक इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक माइनस उल्टा डायरेक्शन में, तो मास ऑफ कार स्मॉल इंटू वेलोसिटी, तो ये इनिशियल मोमेंटम बेटा ये कुछ आएगा। अब पी फाइनल बताना क्या है, मास ऑफ ट्रक इंटू जीरो मास ऑफ कार इंटू जीरो, इसका मतलब पी फाइनल भी क्या आ रहा है, जीरो। पी फाइनल तो जीरो, और पी इनिशियल कुछ वैल्यू होगा, इसका मतलब यह मोमेंटम क्या हो रहा है बच्चों, सिस्टम का मोमेंटम, मोमेंटम सिस्टम का चेंज हो रहा है, मोमेंटम सिस्टम का चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे क्या हो रहा है, ये तो कोलाइड कर ही रहे हैं, ये एक दूसरे को फोर्स लगा ही रहे, प्लस इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा, ये ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों, इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहे होंगे? फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा बच्चों। ये बात ध्यान कि रोड लगा रहा हो, हवा लगा रहा हो, क्योंकि तो ये दोनों आपस में लग तभी ये पॉसिबल हो। मोमेंटम तो कंजर्व होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो ये मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। पहली बात ये समझो, इसमें बेटा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, ठीक, इस पे फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, फोर्स कुछ लग। लेकिन हाँ, जो ये ट्रक इस पे लगा रहा हो, कार इस पे लगा रहा हो, वो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट वो बच्चों इक्वल होगा। तो आप आपको ये बात समझ में आया होगा कि ये चीज उसे वो बच्चा क्या बोल कर रहा है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स आए, उससे कारण फिर एक्सीलरेशन आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम कार का लिखते हैं, कार का क्या है, एम वी कार हो गया जीरो, फाइनल इनिशियल मोमेंटम बच्चों वी है, इनिशियल वेलोसिटी वी, तो उसका हो गया माइनस एम वी, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक, जब मास ऑफ ट्रक इंटू जीरो माइनस वी ऑफ ट्रक इनिशियल, तो ये माइनस है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, मोड अगर के लिया जाए तो मोड ऑफ पी टी ग्रेटर देन, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो चेंज इन मोमेंटम ट्रक का ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा, ट्रक का मैग्नीट्यूड ज्यादा चेंज हो, तो मास ज्यादा, वेलोसिटी दोनों में सेम है। अब यह पूछे विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, ये बच्चों सवाल अच्छे है। अब एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है? अभी मैंने एक्सीलरेशन बताया था कि हम लोग कैसे निकाले थे, अभी एक्सीलरेशन में कार का निकालू तो क्या निकाल सकता हूँ, फाइनल जीरो माइनस इनिशियल बाय टाइम, टाइम कितना 1 सेकंड, तो आ गया माइनस वी। इसी तरह अगर यदि मैं ट्रक का निकालू तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी है बच्चों यहाँ वो 1 सेकंड, तो माइनस, तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन तो इक्वल आ रहा है। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? इक्वल। इससे इक्वल कब आ रहा है बच्चों? जब हम एफ नेट कंसिडर कर रहे हैं, हम एफ नेट कंसिडर कर रहे हैं, हमने क्या किया एफ नेट, तो नेट फोर्स जो लग रहा है, इम्पैक्ट फोर्स प्लस एक्सटर्नल दोनों लग रहा हो, तब ये आके ये आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा जाओ, ये सवाल एक्चुअली मतलब क्वेश्चन इस वजह से फ्रेम नहीं हुआ, ये सवाल बच्चों, सवाल में भी कुछ कर, ये सवाल पूरी तरह से यदि पूछा जाए विच विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सीलरेशन, तो हमारा तो आंसर दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन सिर्फ अगर यदि मैं इम्पैक्ट फोर्स की बात करूँ, यदि एक्सीलरेशन सिर्फ मैं इम्पैक्ट फोर्स की बात करूँ, इम्पैक्ट मान ले, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यदि इम्पैक्ट फोर्स से दोनों बराबर लग रहे थे, हमने बताया न्यूटन थर्ड लॉ से बच्चों, ये जितना फोर्स लगे वो उतना लगेगा, इम्पैक्ट फोर्स दोनों बराबर है, एफ इम्पैक्ट बाय मास ऑफ आर आ जाएगा, और एक बार एक्सीलरेशन बराबर एफ इम्पैक्ट बाय मास ऑफ ट्रक आएगा, तो मास ऑफ ट्रक ज्यादा होने के कारण बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक कम होगा, एक्सीलरेशन ऑफ कार ज्यादा होगा। यदि आप इम्पैक्ट फोर्स के ओर से देखेंगे और एक्सटर्नल फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, तब बटो ये होगा, ठीक ना। तो ये सवाल ही पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कौन सा हमें लेना है बच्चों, तो इसका दोनों आंसर संभव होगा, तो इसका आंसर दोनों संभव हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि विच वाई द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक, तो कार में बच्चों ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, क्यों आएगा? क्योंकि कार में बच्चों ज्यादा मतलब इम्पैक्ट फोर्स तो बराबर ही लगा, तो कार में, क्योंकि कार छोटा है और उसकी मोमेंटम में चेंज बच्चों, तो कार की मोमेंटम में चेंज कम हुआ है, तो कार में इम्पैक्ट मोमेंटम कम चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप देखोगे, जब आप मतलब एक्सटर्नल फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया जाए, ये वाला केस लिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कार की एक्सीलरेशन है बच्चों वो क्या ज्यादा है, उसका मतलब जो कार को एक्सीलरेशन है, तो कार इसी टाइम में तो कार का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए क्या होगा, यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कार का एक्सीलरेशन बच्चों ज्यादा है, ये वाले पॉइंट सोचा जाए तो वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा,
फोर्स लगने के दौरान, तो उसका मतलब कार जो यहाँ से चलेगा, डिस्प्लेस क्या हो रहा है, मतलब कोलिजन हो रहा है, जिस सेकंड ये कोलाइड कर रहा है तो कार थोड़ा सा आगे मतलब मूव आ रहा है, मतलब इसका ये सब पचक रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है तो उसके कारण क्या हो, इस पर ज्यादा डिस्प्ले, ज्यादा ये डैमेज होने वाला है, आप ऐसा सोच सकते हैं। या फिर आप ऐसा सिंपली सोचे कि ट्रक तो भारी है, तो कार हल्का छोटा चाहिए, तो कार पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला, ये चीज आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसे देखो तो इस पे इम्पैक्ट फोर्स डोमिनेट करेगा बच्चों, आप कोई और ढंग से सोचेंगे तो इम्पैक्ट फोर्स इसमें डोमिनेट करेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स तो कम लगेगा, लेकिन जो ट्रक है, ट्रक का मास ज्यादा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और इसे इम्पैक्ट फोर्स डेफिनेट डोमिनेट नहीं करेगा, इसीलिए कार इज लाइकली टू सफर मोर डैमेज। आपको आई होप आपको ये सवाल समझ में आए हो, या अच्छा सवाल हो, तो ये सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट भी है और अच्छा भी है, हम लोग अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 8,000 kg इंजन पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन एंड ईच वेइंग इतना 200 kg अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ इंजन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड ट्रैक ऑफर्स अ रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, तो बताना है कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या हुआ, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन एंड फोर्स ऑफ वेगन वन ऑन वेगन। तो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, ये एक दो ऐसे लगा, तीसरा है, चौथा, 5 वेगन है, 5 वेगन, और ये इंजन है मेरे भाई, ये है इंजन, ठीक, बाकी ये सब वेगन, सबको सब वेगन, 1, 2, 3, 4, 5 बोल लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप क्या दे रखा है बच्चों, कि इंजन जो है कितना फोर्स लगा आगे की ओर, 40,000, और सबको मिला के कितना लग रहा है, ट्रैक ऑफर से फ्रिक्शन ऑफ 500, 5 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, कितना, 5,000 न्यूटन फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट, फ्रिक्शन क्या होगा, एफ नेट बाय मास, तो एफ नेट क्या होगा बच्चों, जितना आगे की ओर लग रहा है, 40,000 -5,000 बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है बच्चों, इंजन का मास तो 8,000 kg प्लस 5 वेगन, 1 वेगन का मास 2,000 है, टोटल 5 वेगन का 10,000 हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा 35,000 बाय 18,000, चलिए 35/18 m/s स्क्वायर। पूछा गया एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन बच्चों यही आ रहा है, ये बी पार्ट का आंसर हो गया, ये क्या हो गया बी पार्ट। पूछा है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा, एफ नेट पूछा है, तो एफ नेट हो जाएगा बच्चों यही 40,000 में 5,000 माइनस कर दो, कुल मिला के ये हो गया 35। अब पूछा है लास्ट में फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ वेगन वन ऑन वेगन टू, अच्छा वेगन वन कितना फोर्स लगा रहा है वेगन टू पे, आप देखो यहाँ, अब यहाँ से इसको ब्रेक करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, ये चारों वेगन आ जाएंगे, 1, 2, 3, चारों वेगन को एक फोर्स इधर से खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ये लगा रहा है, ये पहला वेगन है, कि वेगन ही सबको यहाँ से पुल कर रहा है बच्चों, तो वेगन चारों पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक, 1, 2, 3, 4, तो चार वेगन का मास कितना हो गया, 8,000 kg इसका मास हो, और इसको एक्सीलेशन कितना मिल गया है, क्योंकि तो ये ट्रेन सब साथ में ही चल रहा है, एक्सीलेशन तो 35/18 है, तो ये फोर्स लग रहा हो, प्लस यहाँ पे क्या बच्चों एक चीज और है, एक फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन टोटल 5,000 kg, मान लो इंजन में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जब ये सब लगा रहे तो हर एक में 1,000 लग रहा हो, तो 1, 2, 3, 4, चार में 4,000 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो ये फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ -4,000 बराबर मास, मास 8,000 इंटू बच्चों 35/18, इसको सॉल्व करोगे तो बराबर है 4,000 प्लस 8,000 इंटू
35 वोल्ट। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करके आंसर आपको आ जाएगा, या फिर कितना फोर्स वेगन वन वेगन टू पे लगा रहा है। वो आते हैं नेक्स्ट सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 m/s ऑन टू स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, मतलब एक कार्ट है, ये लकड़ी का है, ऐसा ही चल रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 m/s। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक लड़की यहाँ पर कूद गई, इस पर चढ़ गई, ठीक। और इसकी मास कितना है, इसकी मास है कार्ट का मास 3 kg और इस गर्ल का मास है 40 kg। तो क्या हो रहा है इनिशियल में बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इस पर चढ़ेगी तो कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगा ओरिएंटल में, तो डायरेक्शन में क्या होगा, लगाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व हो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियली में गर्ल तो रेस्ट में थी, सिर्फ कार्ट चल रहा है, तो 3 × 5। ये फाइनल क्या है बच्चों, ये फाइनल है कि गर्ल भी चल रही और ये भी चल रहा है, तो दोनों, तो मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू वेलोसिटी भी जिसे चल रही, तो ये 40 + 3 × b, ये हो गया 43 b। अब क्या है कि मोमेंटम हम लोग बराबर करने वाले, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो तो साफ साफ लिखा हुआ, तो यहाँ पर यह साफ साफ लिखा हुआ एक्सटर्नल वाइज फोर्स वर्किंग ऑन द अर्थ मोस्ट मोमेंटम कंजर्व करना है। पी इनिशियल है 15 / 43 × b, तो बी बराबर 15/40, ये आंसर है कितना m/s के, ये गर्ल और कार दोनों चल रही हो। अच्छा नेक्स्ट सवाल क्या होते, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 बोला कि फोर्स ऑफ 15 m/s ऑन बॉडी फॉर 10 सेकंड बट द चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि एक फोर्स लग रहा है ये 15 N का फोर्स, ये बड़ा है, ये एक मास है मान लेते हैं, और इस पर फोर्स 15 N का लग रहा है, कितने टाइम तक तो लग रहा है 10 सेकंड, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, ठीक, ये बात लिखी जा सकती है। हम लोग एक्सीलरेशन क्या लिख देते हैं, F/m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों u0, बाद में भी कुछ आ जाएगा फोर्स लगने से, तो हम लोग v इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू u+at लिख सकते हैं, फोर्स लग रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है u0 है, एक्सीलरेशन टाइम 10 ले लो, उन्हें v लगा दो, तुम्हें एक्सीलरेशन बराबर v/10 आ गए, ठीक। अब देखिए बच्चों इस एक्सीलरेशन को मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो यहाँ देखो v/10 = f/m, यहाँ पे ये आने वाला है, तो m × v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × f, और m v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × f, और f कितना दिया हुआ है 50, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा kg/s, ये हो गया m v, m v की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब मेरे को क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम क्या है p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल क्या है m × v वेलोसिटी, इनिशियल मास है तो वेलोसिटी 0 है, तो m v ही हो गया मेरा चेंज मोमेंटम, m v कितना आ गया 5 kg/s। तो यहाँ पे बिना मास का भी हम लोग चेंज इन मोमेंटम बच्चे निकाला जा सकता है। आपको सवाल समझ में आया होगा। हम लोग 7th क्वेश्चन बात होती है, यहाँ कह दिया टू बॉडी हैविंग मासेस इन द रेशियो 3:4, तो टू बॉडी का मास का रेशियो दे रखा 3:4, लिख लेता हूँ m1/m2 = 3/4 रेशियो,
व्हाट फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट बॉडी इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। मतलब फोर्स ही अप्लाइड, फोर्स लग रहा है तो पहला बॉडी का एक्सेलरेशन ये दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड। हाउ मच एक्सेलरेशन इन द सेम फोर्स प्रोड्यूस इन अनदर बॉडी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये M1, उस पे फोर्स F लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कि Fy M1 बराबर एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये हो जाता है, ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि इट मूव्स विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। जब फोर्स एफ लगता है बच्चों तो ये एक्सेलरेशन हो, तो पूछ रहा है कि हाउ मच एक्सेलरेशन, A1 देते ना A2 पर हाउ मच एक्सेलरेशन विल द सेम फोर्स मतलब वही एफ ही लग रहा है। अब ये M2 है, इसमें फोर्स एफ ही लग रहा है, इस पर एक्सेलरेशन क्या होगा Fy M2। अब यहाँ पे बताना बच्चों, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 6 M1, यहाँ 6 M1 लिखा हुआ Fy M2, अब बताना 6। अब यहाँ M1 by M2 आ गया, और M1 by M2 का रेशियो क्या बच्चों बताना है, 6 × 3/4 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है 3/4, यदि फर्स्ट बॉडी पे लगाए गए तो बॉडी मास M1 M3 M4 दे रखा है, और ये दे रखा है, सब सही कर रहा हूँ ना, फोर्स व मास 6 × 6 M1 × M2 ये हो, तो 3/4 बच्चे 2 × 2 = 2 हो गया 9/2 = 4.5 m/s। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड आ गया बच्चों, यही पूछा गया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि आखिर एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। और आज का बच्चे हम लोग आखिरी सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल जो सीधा महाभारत से आता है, ताकि महाभारत को थोड़ा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिस्ट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑन द व्हील ऑफ अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के व्हील पे बच्चे क्या करना है, वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लिखना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे ये समझना है। और व्हील यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये अभिमन्यु का व्हील बच्चों, व्हील का कुछ मास होगा बच्चों, ठीक, यहाँ मैं व्हील अलग से उठा दें, तो व्हील का कुछ मास होगा, तो मास पे एक mg लग रहा होगा। ये कौन लगा रहा है, mg बच्चों अर्थ लगा रहे, धरती माँ सबको प्यार करते, इस व्हील को भी प्यार करते, ये अर्थ लगा रहा है, और ये व्हील अर्थ पे एक mg लगा रहा होगा ना भाई, तो ये एक्शन रिएक्शन पाला हो गया। दूसरा क्या है कि अभिमन्यु का हाथ जो व्हील को बच्चे ऊपर की फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल क्या लगा, नॉर्मल अभिमन्यु का हाथ इसको लगा रहा ऊपर, और व्हील बच्चों क्या कर रहा है कि अभिमन्यु का हाथ पे एक नॉर्मल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो एक्शन रिएक्शन पेयर आ रहा है, एक तो नॉर्मल बच्चों और एक एमजी, ये एमजी ग्रेविटी जो अर्थ लगा रहा है, और नॉर्मल जो ये इस पे लगा रहा है बच्चों, अभिमन्यु का हाथ व्हील पे लगा रहा है, व्हील अभिमन्यु का हाथ पे लगा रहा है, तो ये और एमजी, तो दो एक्शन रिएक्शन पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और हमने अभी 8 क्वेश्चन किए हैं इंग्लैंड के बच्चों, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुएगी, प्लस हम लोगों ने इसी में कंजर्वेशन मोमेंटम पे भी कुछ सवाल किए। तो आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।